एक नया संक्रमण, एक नया फ्लू, एक नया आत्मघाती वायरस जिसने 100 साल पहले 5 करोड़ जिंदगियां ली थी, वो एक बार फिर दस्तक दे सकता है। जानलेवा महामारी की ये वार्निंग खुद WHO ने दी है। आखिर कौन सा है ये वायरस, इसका क्या नाम है, कैसे वो इंसानों को अपनी चपेट में लेगा, ये आप खुद देखिए। कोरोना वायरस के कहर से त्राहिमाम कर ही रही है। इस खूनी वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इस संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और जानलेवा महामारी की चेतावनी दे दी है जो कोरोना से भी ज्यादा घातक और खतरनाक है। स्पेनिश फ्लू ये वो महामारी है जो 100 साल बाद एक बार फिर इंसानों को अपनी चपेट में ले सकती है। आपको बता दें, 100 साल पहले इस फ्लू के चलते 5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। WHO के टॉप एक्सपर्ट ने इन्फ्लुएंजा को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि स्पेनिश फ्लू अगली महामारी का कारण बन सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते इंसानों की इम्यूनिटी कम हुई है। ऐसे में स्पेनिश फ्लू के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। साल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू के चलते दुनिया की एक तिहाई आबादी संक्रमित हो गई थी। इस फ्लू की शुरुआत होने की वजह पक्षी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।